आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, फिट है? मतलब कोई तो दिन ऐसा हो कि मैं प्रोग्राम शुरू करूंगा और आपके हाथ में चाय का कप ना, कोई तो दिन ऐसा हो, मतलब कोई तो दिन हो कि कैमरा ओपन हो और आप बगैर चाय के बैठे हो। मतलब ये नहीं कि कोई चाय पीना बुरी बात है, लेकिन जिंदगी को चाय की नजर कर देना और उठने के बाद चाय का कप, नाश्ते के बाद चाय का कप, दफ्तर पहुंच के चाय का कप, दफ्तर में दो घंटे को मीटिंग शुरू हुई चाय का कप, खाना खाना है नहीं खाना चाय का कप, शाम की मीटिंग चाय का कप, निकलने से पहले चाय का कप, पहुंच के चाय का कप, मतलब क्या चाय ही जिंदगी का हासिल वसूल रह गया, बस यही कमाया जिंदगी में? ऐसे कुछ लोगों के लिए वाकई ऐसा ही है। उन्होंने अपने आप को चाय, कॉफी, सिगरेट या किसी भी तरह का के नशा का लफ्ज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी तरह की मजबूरी के बंधन में उन्होंने अपने आप को जकड़ लिया है और बेड़ियां बांध ली है। ट्राई करके देखिए, मिसाल के तौर पे आज चाय नहीं पीनी, ये बहुत बुरा सीन हो गया भाई, इधर कैमरे शैमरे बंद करो, आज चाय नहीं पीनी। आज कैसे कुछ लोगों की जिंदगी गुजरेगी, कुछ लोगों को सांस कैसे आएगी? लेकिन यकीन जानिए, एक दिन अगर आप ट्राई करके देंगे कि आपकी जिंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस तरह के एडिबल्स में या स्मोकिंग में, उससे एक दिन के लिए निकल के देखिए, बिल्कुल जिस्म भी टूटेगा, तलब भी होगी, वो जो हम कहते हैं त्रोटक होगी, ये सब एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन यही खूबसूरती है जिंदगी की। इसी तरह से आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, अपने पांव पे खड़ा करना है अपने आप को और कहना है कि नहीं, मैं आज चाय नहीं पीऊंगी, नहीं मैं आज चाय नहीं पीऊंगा। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल काम बता दिया मैंने तौसीक भाई, कुछ कह देते आज सुबह, कोई काम कह दे, हम आपको भिंडियां बना के भेजने को तैयार हैं, लेकिन चाय छोड़ना बहुत मुश्किल है। आज हमने ये करना है जी, लेट्स सी कौन इसमें कामयाब होता है या नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड है चाय के, यानी 10 से 15 कप दिन में अगर आप चाय के पीते हैं, तो वो शायद कम होके 3-4 पे आए। ब्रेकफास्ट एट होम हमारा शो, इसका फेसबुक पेज, इस पे आपने इनबॉक्स करना है अपने नाम के साथ कि ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, क्या चाय की तलब हुई नहीं हुई, उसको कैसे फाइट किया, कोई आपस में सपोर्ट ग्रुप बनाया, मतलब चाय को की तलब को कम करने के लिए भी हमें सपोर्ट ग्रुप बनाना पड़ रहा है, और वाकई ये चीज़ ही ऐसी है। बट सर्दी का मौसम है भी ऐसा कि इसमें जी भी करता है के साथ साथ कुछ कॉफ़ी या चाय चलती रहे, लेकिन यही तो मज़ा है जनाब। जब बहुत ज़्यादा मसलन गर्मी के मौसम में, जून के आखिरी महीने में, जुलाई के पहले महीने में, आप ये फैसला करें कि पूरा दिन आपने ठंडा पानी नहीं पीना, नीम गर्म पानी पीना है, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। ट्राई दिस, कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ट्रेनर काशिफ हमें बताते रहते हैं, अभी कुछ देर में आएंगे, कि किस तरह से आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को, अपनी न्यूट्रिशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इवन जो जिम के अंदर आपका वर्कआउट होता है, उसके अंदर माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनाना है और कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करना है, वो भी कई बार मुश्किल काम होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक और बहुत सा मुश्किल काम है जिस पर आज हम बहुत तफसील से बात करना चाहेंगे, और वो ये है जनाब के कारोबार, बिजनेस। सौखा काम नहीं, कहते हैं जो बिजनेस फैमिली से ताल्लुक जिनका हो, बस वही अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको गलत भी साबित किया। और एक और जो चीज जो नई नई मुझे पता चली है, और आज उस हवाले से मैं तफसील से बात करना चाहूंगा, वो ये कि बच्चे भी बिजनेस कर सकते हैं और करते हैं, क्या उन्हें इनकरेज करना चाहिए, क्या इनकरेज नहीं करना चाहिए, एक बच्चे में entrepreneurial skills जो है उनको कैसे आप encourage कर सकते हैं, उससे क्या उसकी पढ़ाई इफेक्ट होगी नहीं होगी। आज इस हवाले से एक बिजनेस की एडवाइज़र अमीना तारिक उनका नाम है, लेकिन उनके उनके तारुफ के लिए लफ्ज़ कोई आसान सा मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बिजनेस एडवाइज़र ही हैं और वो बिजनेसेस ही सिखाती हैं, उनकी ज़िंदगी सारी बिजनेस से जुड़ी हुई है, उन्होंने पढ़ा भी बिजनेस है, खुद भी बिजनेस करती हैं, लेकिन बिजनेस को कंसल्ट करती हैं। और ख़ास तौर पर आज वो हमें बताएंगी कि बच्चों को आप कैसे इनक्रेज कर सकते हैं कि वो नन्ही सी उम्र में कारोबार करें, और ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि मीना तारिक का इस कैमरे के साथ और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, पीटीवी के साथ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग और गहरा
रिश्ता है, लेकिन इसको हम रखेंगे सरप्राइज जब उनका सेगमेंट शुरू होगा तब आपको बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स आज हम कैसे भूल सकते हैं कि जो हमारे मेन गेस्ट हैं उसमें बहुत सा म्यूजिक होने वाला है, मजे मजे का म्यूजिक होने वाला है, कुछ ट्रेडिशनल, कुछ हम पहाड़ों के म्यूजिक की तरफ आपको लेके जाएंगे। पाकिस्तान के जितने भी रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गायकी के मुख्तलिफ अंदाज हैं, उसमें मुझे ज़ाती तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे वो इलाका भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वहाँ ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो आज कुछ उस तरह का म्यूज़िक भी होगा, लेकिन कुछ ज़रा फिल्मी पंजाब का स्टाइल भी होगा। सो आज बहुत से गाने आपको हमने सुनवाने, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ म्यूज़िक टुडे। ये है जी आज हमारे पास मेन्यू कार्ड, चुनिए आपको क्या चुनना है। इस रेस्टोरेंट का नाम है ब्रेकफास्ट एट होम और इस रेस्टोरेंट में एपेटाइजर होता है। कौन है आप? कुछ भी नहीं है। कभी कभी जो बॉडी वेट होता है उसको संभालना भी मुश्किल होता है, ऐसी एक्सरसाइजेस होते हैं। अच्छा, तो आज का जो हमारा वर्कआउट है उसमें 5 एक्सरसाइजेस हम करेंगे, जिसके अंदर हमने 3 सर्किट्स करने हैं, 3 चक्कर मुकम्मल करने हैं, और हर जो मैंने पहले बताया हुआ पहली नशिस्त में हमारी कि रिवर्स पिरामिड स्टाइल जो होता है, रिवर्स पिरामिड स्टाइल जिसमें अपने रेपिटेशंस को नीचे की तरफ लेके आना होता है, 15, 14, 13 और 1 तक आना होता है। इस मरतबा हम ड्यूरेशन को लेके आएंगे 1 से 10 सेकंड तक। हर एक्सरसाइज को पहले 1-1 मिनट तक करेंगे। अच्छा। एक चक्कर मुकम्मल हुआ, फिर रेस्ट लिया आपने, कोशिश करें रेस्ट नहीं लेना। उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक। और आपने फिर 40, 30, 10 सेकंड तक एक एक चक्कर पूरा, 5 एक्सरसाइज स्टार्ट 1 मिनट से करना है, 1 मिनट से करना है, और फिर 15-10 सेकंड तक आना है। और बिल्कुल 5 हाँ, कोशिश करें कि रेस्ट ना लें। शुरू करते हैं, वार्म अप कर लीजिएगा 10 से 5 मिनट का वार्म अप, बहुत जरूरी है, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम है ग्रॉनर्स। इसमें आपने जो पेस है और इसकी जो मोमेंटम है अपनी स्ट्रेंथ अपनी सेहत के अकॉर्डिंग करना है, और आपने जितने भी मिनट रेपिटिशंस करने हैं वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक करने हैं। थैंक यू फॉर द वर्ड, क्योंकि जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होंगे, ये मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन दी है 1 मिनट की, उसमें होगा ये कि हो सकता है मैं 1 मिनट में 50 रेप्स कर लूँ, हो सकता है तौसीक भाई 30 रेप्स कर पाए। तो आपने जब ये कोशिश करनी है, और अगली दफ़ा जब ये वर्कआउट करेंगे तो अपने उस ड्यूरेशन को, उस रेप रेंज को बीट करने की कोशिश करनी है। लेट्स स्टार्ट ऑन, शुरू करते हैं जी। आपने बिल्कुल टो आगे लेके आने, हाथों के चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट एंड ब्रीथ इन, सांस लेते रहना, ये आपने परफॉर्म करनी है 1 मिनट तक, ठीक है जी। इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगली हमारी एक्सरसाइज है जूडो पुशअप। बहुत टफ एक्सरसाइज है, हमने पहले 1 दफा की हुई है। पुशअप पोजीशन में आएंगे ऑल द वे अप, हां फिर वापस आएंगे। काम सोखा नहीं भाई, बड़ा ही औखा काम है। वेरी नाइस, वेरी गुड काशिफ, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में जा रहे हो आप। All the Very stretch. Nice. अच्छा, ये भी 1 मिनट करना है जी, और स्पीड कुछ भी हो जी, रेपिटेशंस कुछ भी हो 1 मिनट के अंदर। जैसा मैंने बताया, मेरी रेपिटेशंस और हो सकती है, आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक आपकी रेपिटेशंस और हो सकती है। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड एक्सरसाइज, प्लैंक जैक्स। इस पोजीशन में आएंगे एंड ये नॉन स्टॉप वर्कआउट है, आपने रेस्ट नहीं लेना। वाइड क्लोज, वाइड क्लोज, वाइड क्लोज, नॉन स्टॉप 1 मिनट तक। ये एक्सरसाइज भी करनी है, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज में से है, और अमूमन मैं समझता ही था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसको मैं करता हूँ, असल में बॉडी की दोस्ती की बात है कि किसी एक एक्सरसाइज से आपकी बॉडी की दोस्ती हो जाती है तो वो आपको आसान लगने लगती है। जैसा ये मुझे शुरू में मुश्किल देखने में लगती थी, लेकिन जब मैं इसको करता हूँ जिम के अंदर तो ये मुझे बहुत आसान लगती है। हर एक्सरसाइज जो होती है फेवरेट होती है, उनको माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा बेटर बनता है जी, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब हम नेक्स्ट जी, एल्बो टू टोज, सॉरी, वेरी नाइस, ऑल द वे, कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीज, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लेकिन वाइड रखना आपने। अच्छा, नेक के बारे में काशिफ बताइए कि ऐसे में नेक सीलिंग की तरफ, सीलिंग की तरफ, बैक स्ट्रेट, चेस्ट ड्रॉप नहीं करनी, ऑल द वे अप, कॉन्ट्रैक्शन, स्क्वीज, और आपने पूरा ऊपर आना है एंड क्रॉस करना है, टच करना है अपने टो को,
ठीक है, और अगेन स्पीड ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम जी, बिल्कुल यू नो ये नहीं कि टोटल पूरा करना इतनी दफा माइंड मसल कनेक्शन बनाइए और एक मिनट तक इसको परफॉर्म कीजिए। रेपिटेशन की फिक्र नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि काशिफ ने 50 किए तो मैं 50 करूँ, नहीं, नेक्स्ट टाइम बीट करने की कोशिश करनी है। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट एक्सरसाइज। इस पोजिशन में खड़े होंगे, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, शोल्डर विड्थ का आपका स्टैंड होना चाहिए, हाथ यूं किए एंड ऑल द वे स्विच करनी है लेग। सुपरमैन, एग्जैक्टली, ब्रीद इन ब्रीद आउट ऑल द वे स्ट्रेच। अच्छा, वेरी गुड काशिफ, ये जो 5 एक्सरसाइजेस आज आपने हमें बताई हैं, इसको सम अप अगर हम करें कि तो 1 मिनट से शुरू किया, फिर अब जिस तरह एक ये पॉज आया, थोड़ा सा सिप लिया, फिर उसके बाद 45 सेकंड्स की पांचों, 45 सेकंड्स नहीं 60 सेकंड्स, 60 50 सेकंड्स, अच्छा 60 50 40 30 20 10 आपका वर्कआउट खत्म। कोशिश करनी है रेस्ट नहीं लेना, जरूरत है तो रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए थोड़ा थोड़ा सा, और ये बेसिकली 5 एक्सरसाइजेस को बैक टू बैक करना है आपने, 5 एक्सरसाइजेस की नो रेस्ट, 60 सेकंड्स तक हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, फिर 50 40 30 20 एंड 10। टाइम कीपिंग कौन करेगा? आपने खुद ट्रैक करना है, रिस्ट वॉच दीवार पे, वॉल को ट्रैक करें, मोबाइल पे अपना टाइमर लगाइए और नोट करें, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइम अपने आप को मैंने ये देखा है कि वो माइंड मसल करेक्शन तो मेरा बन जाता है काशिफ, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ करते भी हैं जिम, आपको अंदाजा है मैं टाइम कीपिंग मुझसे नहीं होती, क्योंकि अगर मैं मेरा ध्यान घड़ी की सुइयों की तरफ जा रहा है तो फिर मेरा ध्यान जो है वो उस तरफ नहीं जा रहा। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि इस काम के लिए आपका कोई जिम का कोई दोस्त, कोई पार्टनर, कोई हो जो कि पहले आप कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प कर दे, फिर वो कर रहा है तो आप उससे हेल्प कर। ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका बेटर माइंड मसल कनेक्शन होता है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं, तो होता यह है कि ऑटोमेटिकली और साइकोलॉजिकली आप ये चीज़ कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू शुरू में। आप बिल्कुल माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कल हमने बात की थी फ्लैक्स सीड्स के हवाले से, टाइम हमारे पास है सिर्फ 1 मिनट में इसको समाप्त करते हैं, तो न्यूट्रिशन के हवाले से न्यूट्रिशन लेबल देखें। आप कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखें, पैक्ड चीज़ के हवाले से बात करूं, कुछ भी है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, आपने ख्याल क्या रखना है, उसके फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है, क्या कलर है, किसकी तस्वीर है, उसकी फिक्र नहीं करनी, इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रोटीन है, बाहर लिखा हुआ है जीरो शुगर, ये वो नहीं देखना, उसके पीछे एक लेबल होता है न्यूट्रिशन फैक्ट जिसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, उसको देखना है कि उसके अंदर कितने परसेंटेज है कार्बोहाइड्रेट्स की, कितने प्रोटीन है, कितने उसमें शुगर है, कितना सोडियम है, कितना ट्रांस फैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। फिर होता है एक कॉर्नर पे इनको सिर्फ देख के मतलब देखना जरूरी है या उसको समझना भी जरूरी है, उसमें जैसा कि मैंने कल बताया था उसकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कल मैंने बता दिया था कि आपने ट्रांस फैट को देखना है वो सिफर होने चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट वो होने चाहिए, गुड फैट है, सैचुरेटेड फैट कम होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं होनी चाहिए लेकिन होनी चाहिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप दलिया परचेज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जैसी जिसमें रिच कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए आपको, या फाइबर चाहिए, उसमें फाइबर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, शुगर ज़ीरो होना चाहिए, सॉल्ट ज़ीरो होना चाहिए और ट्रांस फैट ज़ीरो होना चाहिए। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी उसे मिनरल्स एंड विटामिंस होना ज़रूरी है, आयरन वगैरह, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये सारी बात जो आपको कैशियर ने बताई, अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आई तो आप दुकानदार के पास जाके भाई दलिया दे दें, जिंदगी को करें आसान। किस मुसीबत में काशिफ तुम हमें डाल रहे? नहीं, मैं बाकायदा आपके लिए कंपैरिजन एक चीज़ लेके आऊँगा। अच्छा, हम किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से लेके आऊँगा कि एक ऐसी प्रोडक्ट होगी जिसके अंदर अनहेल्दी सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे और एक ऐसी प्रोडक्ट होगी जो हेल्दी होगी, आप जिसको देख के आसानी से कह सकेंगे नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे ख्याल मुझे वो दे। एग्जैक्टली, ऐसा अगर कोई आप कंपैरिजन स्क्रीन पे हमें दिखाए ना किसी दिन, तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि ये सारी जो अंग्रेजियां बोल के हमें काशिफ इंप्रेस कर रहे हैं, इनसे हम कैसे इस समंदर में हम कैसे गौदा लगा सकते हैं। तो काशिफ ग्रेट, हम आपको बताते चले कि ट्रेनर काशिफ हमारा जो फेसबुक पेज है ब्रेकफास्ट एट होम, उसमें आप जाइए, अपना नाम, अपनी उम्र, जिस भी पाकिस्तान के गोट गांव शहर इलाके से आप हमें याद कर रहे हैं उसका नाम लिखिए, और अपनी जिम के हवाले से, अपनी वर्जिश के हवाले से, अपनी हेल्दी बॉडी के हवाले से अगर कोई सवाल है तो लिखकर भेजिए। ट्रेनर काशिफ अक्सर आपको जवाब दे रहे होते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं, कई दफ़ा कोई ऐसा सवाल सामने आ जाता है
इसको हम समझते हैं एज अ टीम कि ये सब तक पहुंचाना जरूरी है, सबका भला होगा, तो वो सवाल हम पे। मैं ये कहना चाहूंगा जाते जाते कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट पे मुझे मैसेजेस कर तो रहे हैं, करते भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ब्रेकफास्ट एट होम के फेसबुक पेज पे मैसेज करें, ताकि हम तक कभी कभी मैं नहीं दे पाता रिप्लाई, तो आसानी हो, हमारी टीम होती है, वर्कर ही होती है, मेरे पास सवाल आ जाएंगे, मैं आपको जवाब देने में मेरे लिए आसानी रहेगी। सो ब्रेकफास्ट एट होम इट इज। ट्रिनका शिव, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मीना मेरे साथ है, मीना तारिक, और आज हम कुछ बात करने लगे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कि बच्चों में बिजनेसेस को प्रमोट किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, बच्चे एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसी मिसालें हैं, और रिसर्च क्या कह रही है कि अगर बच्चों में इस तरह के जरासीम हो कारोबार करने के, तो उसको अगर इनकरेज किया जाए तो फ्यूचर में कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकालते हैं नहीं। तो बिजनेस कंसल्टेंट और माहिर मीना तारिक आज से ये एक नया सेगमेंट हमारे लिए लेकर आ रही हैं, और उसके बाद आगे चल के म्यूजिक तो होगी। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं, ये ब्रेकफास्ट एट होम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे, ब्रेकफास्ट एट होम का सेट है, और आप हमें देख रहे हैं इस वक्त पीटीवी होम पर, पीटीवी न्यूज़ पर, पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूके, और हमारे साथ आज एक हमारी ऐसी सेगमेंट होस्ट मौजूद है जो कि आज से एक नया सेगमेंट आपके लिए सजा के ला रही हैं, और बुनियादी तौर पर ये खुद एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस की माहिर हैं, इन्होंने डिग्री वाइज पढ़ा भी बिजनेस है, अब बिजनेस पढ़ाती भी हैं, उसको ट्रेनिंग्स भी देती हैं, कंसल्ट भी करती हैं, और ख़ास तौर पे इनके दिल के करीब जो बात है आज, उसी बात पे हमने करनी है बात, और वो साथियों है ये बात कि बच्चे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्संस साबित हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मीना तारिक। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मीना। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जब मीना ने मुझे ये पहली दफा ये कॉन्सेप्ट बताया ना, मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को, तो हम तो दो मिनट के लिए ऐसे हो गए, क्या जरा दोबारा बताएं। रियली पहले मुझे बताएं कॉन्सेप्ट है क्या। सो कुछ साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले मैं यूएस में थी, मैं बैब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी, और वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। हमसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा आप ये रियलाइज़ नहीं करते, पर एक्चुअली हर बच्चा एंटरप्रेन्योर होता है, हम पैदाइशी एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, मगर उसके बाद अच्छा। जी जी, और उसके बाद सोसाइटी हमें मार मार के वो एंटरप्रेन्योरशिप हमसे निकालती है बेसिकली। हर बच्चा जो है, और अगर आप किसी के भी, जो भी देख रहे हैं, किसी के घर में बच्चा है, तो वो रियलाइज़ करेंगे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, और वो मतलब पैदाइशी तौर पे उनके दिमाग कुछ इस तरह से वायर्ड होते हैं, इसलिए उनको चीज़ें तोड़ने का, खोलने का, वापस जोड़ने का, बनाने का शौक होता है। ये जो लेगोज हैं या जो ब्लॉक्स के साथ बच्चे खेलते हैं, वो बिल्ड करते हैं चीज़ें, उनको बनाने का शौक होता है, उनको क्रिएटिविटी का शौक होता है। और हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं या जिस तरीके से हम बच्चों को रेज करते हैं, हम एक्चुअली स्लोली उनसे वो क्रिएटिविटी निकालते जाते हैं। तो आपको आखिरी दफ़ा कब याद है कि आपने कोई चीज़ अपने हाथों से बनाई हो, कोई चीज क्रिएट की हो? अपने दिमाग, आप अपने दिमाग से तो क्रिएट करते हैं, ये शो क्रिएट करते हैं, कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपका सवाल समझ रहा हूं कि एक्चुअल कोई चीज बनाना, जी, फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना, राइट? कोई लकड़ी का पीस लेकर उससे कोई चीज निकालना, कोई कपड़े का पीस लेकर। बचपन में बहुत किया करता था, बिल्कुल, मुझे जो टॉय कार्स हैं उनका बहुत शौक था, कि खासतौर पे वो जो डिंकीज होती है ना, जिनके दरवाजे खुल जाते हैं, उनके दरवाजों को तोड़, सीरियसली मैं उनके दरवाजों को तोड़कर दोबारा जोड़ने की हमेशा नाकाम कोशिश करता था, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता था। और कोशिश जो है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप की रूट है, कोशिश, राइट? ये है ही सारी कोशिश की गेम। आप कोशिश करते हैं कि आप कोई चीज बनाएं, कोई चीज तोड़ें, कोई चीज जोड़ें, और आप उससे वैल्यू क्रिएट करें। जो नई चीज़ आप बनाएं उसमें कोई वैल्यू हो, वो किसी के लिए यूज़फुल हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आप खुद हो, चाहे वो पर्सन हो जो उसको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब आइए जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसके अंदर, कि बच्चा उसको बिजनेस कैसे उससे कर सकता है, और हम, आप जो आपने कहा कि हम मार देते हैं, हम मारते कैसे हैं?
हम अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, इवन दो अब स्कूल्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इनोवेशन या नई ईजाद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर पिछली बहुत सारी जनरेशन से हमारा सारा फोकस होता है बुक्स से पढ़ने पे, करने पे नहीं होता, पढ़ने पे होता है. और एंटरप्रेन्योरशिप करने की बात है, राइट, वो की जाती है. सो बेसिकली जो ग्लोबल रिसर्च हुई है उसने ये साबित किया है, वो ये देख रहे थे कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें और जो नहीं बन सके उनमें क्या फ़र्क है. तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बड़े बिजनेसमैन बने या एंटरप्रेन्योर्स बने वो ऐसे लोग थे जिनको यंग एज में उनके माँ बाप ने और उनके इर्द गिर्द के सिस्टम्स ने, सोसाइटी ने वो एक्सपेरिमेंट करने को, क्रिएट करने को अलाउ किया. अच्छा. हमारे यहाँ ये होता है. और मैं जो है बहुत सारी आप कुछ मिसालें देके वाज़े करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. मैं बहुत सारी ख्वातीन के साथ पिछले कुछ अरसे से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें मैं उनको ट्रेन कर रही थी बिजनेस पे. तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि आपके बच्चों ने कभी कोशिश की है कि वो घर आए और कहा मम्मी मैंने ये चीज़ बनाई थी और मैंने ये बेचनी शुरू करनी है या मैं ये बेचना चाहती हूँ. तो एक खातून ने कहा मेरी बेटी घर आई थी और वो फ्रेंडशिप बैंड्स बनाती है, और फिर एक दिन उसने घर आके कहा कि अम्मी मैंने तो ये जो है ना सेल किए हैं. तो मैंने उसको कहा कितनी बुरी बात है और कितनी गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं करते, पैसे नहीं लेते इस तरह चीज़ों के लिए, आपको चाहिए था आप फ्री दे देती. तो मैंने उनको कहा कि आपकी बेटी एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रही थी और आपने उल्टा उसको डांट के ये कह दिया कि आपको ये फ्री करना चाहिए था, राइट? लेकिन वो भी तो मीना एक अच्छी चीज है कि आप, मैं ये फूल अगर मुझे बनाने आते हैं कागज, बिल्कुल, तो मैं बनाऊं, मैं एक मीना को दूं, एक बशीर को दूं, एक अहमद को दूं, एक रजिया को दूं. पर इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी है कि कितने अरसे तक आप इस चीज़ को चला सकते हैं. अगर आप ये फूल मुफ्त बांटेंगे ना तो आप दो दिन बनाएंगे, चार दिन बनाएंगे, ठीक है. हाँ. पर अगर आप ये कारोबार शुरू कर देना और वो कारोबार वैल्यू क्रिएट करने लगे तो शायद आप 10 साल तक ये खूबसूरत चीज़ बनाते रहेंगे, क्योंकि उसमें आपके लिए वैल्यू जनरेट हो रही होगी. हम दूसरी बात है, हम बच्चों को कह देते हैं पढ़ाई से हट रहे. जिस दिन आपका बच्चा आता है ना, और मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करी, 14-15 साल के बच्चे भी अगर आके कहते हैं ना अम्मी मुझे पता लगा है ये बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया है, मैं ये करना चाहती हूँ, अबू करना चाहते, वो पहली बात क्या करते हैं, पढ़ाई पे से तवज्जो हट रही है, पैसे हम दे दे, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, ये कोई उम्र है तुम्हारी ये करने की, आगे तुम्हारा मैट्रिक का एग्जाम है, तुम्हारा FSC है, ओ लेवल है, ए लेवल है. आपके ख्याल में बच्चों को इनकरेज करना चाहिए? बिल्कुल. मिसाल है आपके पास कि किसी बच्चे ने पाकिस्तान में? बिल्कुल. मुझे पिछले दिनों ही पता चला, पेशावर की एक खातून आई हुई थी, वो बता रही थी, वो कहती है उनका बेटा था, उसकी समर में छुट्टियां थी, तो उन्होंने 500 उसकी पॉकेट मनी थी, तो उन्होंने कहा, मैंने उसको कहा कि इस महीने ना तुमने इस 500 रुपए से कोई बिजनेस शुरू करना है. अच्छा, ठीक है. आप खुद अपने बच्चे को कहें, अगर वो नहीं करा तो आप उसको कहें, उसे कहें ये 500 रुपए इससे कोई बिजनेस शुरू करो. कहती है मेरे बेटे ने बैठ के रिसर्च की, उसने गूगल किया, उसने ऑनलाइन देखा, और उसने ना उसको बेकिंग का शौक है, तो उसने 2-3 रेसिपीज निकाली, उस 500 रुपए से जाके वो अंडे, चीनी, दूध, मैदा लेके आया, उसने वो चीज़ें बनाई, और उसने फ़ोन के थ्रू अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज के, फेसबुक के थ्रू लोगों को कहा मैंने ये चीज़ बनाई है और आप ये खरीदना चाहते हैं, उसकी ये प्राइस है. क्या और कोई उसको कुछ भी बेक किया था? जी जी, उसने सिनेमन रोल्स बेक किया, आप कुछ भी सोच लें, केक बेक किया, और उसको ऑर्डर आ गया, और उसने वो बेच दी, और उसको ऑर्डर आने शुरू हो गए. अब उस बच्चे ने 2 लोग हायर कर लिए, 14 साल का बच्चा पेशावर में, उसने अपने घर में 2 बंदे हायर कर लिए, वो बेकिंग करते हैं, वो बच्चा जो है वो ऑनलाइन वो सेल्स लेता है, फोन के थ्रू सेल्स करता है वो, और उसका बिजनेस सेटअप हो गया. और पढ़ाई साथ साथ चल रही है? पढ़ाई साथ साथ चल रही है. देखिए, पढ़ाई तो एक्चुअली आप इससे सीखते हैं, आप बहुत ज्यादा, आप अकाउंटिंग सीखते हैं इससे, आप मैथ सीखते हैं, बच्चों को आजकल PR सीखते हैं, आप PR सीखते हैं, क्लाइंट सर्विसेज, क्लाइंट हैंडलिंग. और आपको पता है आजकल दुनिया है ही सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. आपको बोलना कितना अच्छा आता है, आप लोगों को हैंडल कैसे कर सकते हो, कल को जॉब में इंटरव्यू देते हुए यही चीज आपके काम आती है ना आपके. बिल्कुल ठीक है. अच्छा मीना, एक जो मैं फौरी तौर पे सोच रहा हूँ कि अच्छा मैं एक पेरेंट हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बाप हूँ, मैं एक चचा हूँ, मैं एक खाला हूँ, और हमारे घर में या मेरे बच्चों में से कोई 13-14 साल की बच्ची या बच्चे ने कुछ इस तरह का, तो मुझे तो हर वक्त खौफ रहेगा कहीं इसके साथ कोई धोखा ना हो जाए, इसके पैसे लेके कोई भाग ना जाए, इसके साथ कोई हैंड ना हो जाए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं. कितना बड़ा धोखा होगा, कितने लाखों का धोखा होगा 12 साल के 13 साल के बच्चे के साथ. उस धोखे से वो जितना सीखेंगे ना, वो आगे दुनिया में कम धोखे खाएंगे. नहीं, वो उसके लिए तो वो 12 लाख का तो नहीं, लेकिन वो 1200 रुपए का धोखा जो बहुत बड़ा, बट वो जो बच्चा उसकी लर्निंग, देखिए दुनिया में हमने धोखे खाने हैं. हाँ, ये तो है. बड़े होके भी खाने हैं ना. हाँ. आप अपने बच्चे को अगर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा करेंगे तो कल उसको हैंडल ही नहीं करना आएगा जब वाकई उसको 1 लाख का धोखा होगा, राइट? अच्छा मीना तारिक की आज बातें सुन के ना मुझे लगता है आप बच्चों ने कहना
अब्बा जी जरा इतने आओ ना, जरा बैठो, मुझे दें आप 5,000 रुपए, मैंने कारोबार शुरू करना है। तो ये आप दें उसको 5,000 रुपए और अच्छा? आप करने दो उसको, वो जितना सीखेगा ना उस 5,000 रुपए से आप सोच ही नहीं सकते। कोई सुपरवाइजरी रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सुपरवाइजरी रोल बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप जैसे मैं कल रिसर्च कर रही थी इस पे, तो बाहर के मुल्कों में तो वो कहते हैं 5 साल की उम्र से शुरू करें बच्चों से कारोबार करें, 5 साल की उम्र में। और हो सकता है, मैं जब 6-7-8 साल की थी, जी एक आध कोई मिसाल होगी, नहीं मैं जब इस एज की थी, मेरे ख्याल में मैं 6-7 ईयर्स की होंगी उस टाइम, या 8 की होंगी, तो हम ब्रेसलेट्स बनाते थे बीड्स लेके ना, और स्ट्रेचेबल वाला धागा लेके उससे ब्रेसलेट, और उसके बाद अपनी गली में आंटियों को बेल बजा बजा के वो बेचते थे। ठीक है, आप इससे शुरू कराएं, आप उससे कहीं लीमू पानी का स्टॉल लगा ले अपने घर के बरामदे में। हम मैं और मेरी बहन जब हम छोटे थे, हम अपने ही माँ बाप के लीमू और चीनी लेकर लीमू पानी बना के उन्हीं को बेचते थे। पूरी पूरी गर्मियां हम उनको बेचते थे। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी अम्मी ने हमें कभी नहीं रोका। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे ही लीमू और चीनी इस्तेमाल करके मुझे ही 15-15 रुपए के ग्लास बेच रही हो। बट उससे हमने वो सेलिंग सीखी। अगली समर हमने और बेहतर सोचा, उससे अगली समर हमने और बेहतर सोचा। आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो आपने ग्लव्स इस्तेमाल किया था कि मैं मेरी पूरी जिंदगी ही बिजनेस के गिर्द घूमती हूं। बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और क्योंकि और आप उनसे पूछें तो वो वही लोग होंगे जिन्होंने बहुत छोटी एज में, मैंने 14 साल की उम्र में मेहंदी लगाने का बिजनेस शुरू किया। अच्छा, मैं मेहंदी लगाती थी और मेरे सारे दोस्त अहबाब मुफ्त में लगवाते थे, और फिर एक दिन मैं एक पार्लर में बैठी थी और वहाँ एक दुल्हन मेहंदी लगवा रही थी, और वो बड़ी बुरी मेहंदी लग रही थी उसको, बेचारी को बहुत बुरी। तो मैं बैठ के सोच रही थी, ये बाजी इतनी बुरी मेहंदी लगवा रही है, और मैंने पूछा आपने कितने पैसे दिए, उन्होंने कहा 1500। तो मैंने दिल में सोचा फिर तो मैं भी 1500 कमाऊँ, और मैं 14 साल की थी, 1500 बड़ी बात थी। मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकती हूँ, और मैंने वहाँ से बिजनेस शुरू किया। उसके बाद 10 साल मैंने वो बिजनेस चलाया, और ये नहीं कि मैं मेहंदियाँ लगाती थी, मेरे पास ब्राइड्स 6-6 महीने इन एडवांस मेरे से बुकिंग्स लेके आती थी, बाहर से दुल्हन ने मेरे से बुकिंग, पाकिस्तान से बाहर से जो लोग शादी करने आ रहे होते ना पाकिस्तान, वो बुकिंग्स लेके आते थे। और मेरे फादर जो थे ना, वो बहुत परेशान होते थे, उनको ये डर था कि जो है ना, ये इसकी पढ़ाई का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन फिर आपने फ्यूचर में बिजनेस ही पढ़ा और बिजनेस ही पढ़ा रही हैं। उस चीज से जो एक स्पार्क हुआ ना मेरे दिमाग में कि मैं पैसा और वैल्यू बना सकती हूँ, मैं खुद कुछ करके, मेरे में ये सलाहियत है कि मैं कुछ भी करके कमा भी सकती हूँ, मैं खुद भी एक मतलब इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैल्यू क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्टिंग। अच्छा अमीना तारिक, अपने बचपन की अब मिसालें दे रही हैं कि 5 साल की उम्र में, नहीं 8 साल की उम्र में नींबू पानी का बिजनेस किया, और 14 साल की उम्र में मेहंदी का। मेरे पेरेंट्स से आप सुने ना, मेरे ख्याल में वो तंग आ जाते होंगे हमने क्या क्या किया उनके साथ, मुख्तलिफ तरह के बिजनेस। लेकिन मीना तारिक ने बचपन में एक और काम भी किया, और वो काम है जिसका मैं कुछ देर पहले जिक्र कर रहा था, कि इनका पीटीवी से रिश्ता आप सभी को याद है। आज भी बंधन ड्रामे को तारिक मेराज साहब की जबरदस्त प्रोडक्शन, नोमान मसूद, नादिया खान, फरा सादिया और उर्फी और इकबाल, इन लोगों का वो ड्रामा बंधन बहुत मशहूर हुआ, बहुत मकबूल हुआ बिजनेस वाइज भी, और आज भी लोगों को वो ड्रामा याद है। उस ड्रामे में साथियों आपको याद है कि फरा जो है वो दिलबाजी बनती थी, और दिलबाजी उनको कहता कौन था, एक छोटी सी नन्ही परी होती थी, वो परी जो है वो मीना है। गुड मेमोरीज इस स्टूडियो में आके, रियली गुड मेमोरीज। मैंने तो जो ही एंटर किया तो मैं आपको यही कह रही थी ना कि एकदम जैसे वो बचपन का वो आ गया, बहुत साल हो गए, बहुत साल पहले की बात है ये तो। आज भी अब तो खैर आप जरा बड़ी हो गई हैं तो चेंज, लेकिन अभी भी लोग रेफर बैक करते हैं उस ड्रामे को। जी अभी भी कुछ लोग मतलब अब जैसे जैसे टाइम गुजरा है, कुछ साल पहले तक तो बहुत ज्यादा होता था, और अब ये है कि आई थिंक हर कुछ अरसे बाद वो चला भी देते हैं, दोबारा से चला देते हैं, किसी ना किसी उस पे दोबारा से आ जाता है बंधन, तो वो फिर से लोग पहचानने लगते हैं और कहते हैं आपकी शक्ल नहीं बदली, आप वही है ना, आप फेमिलियर लग रही हैं। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा, मैं मतलब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, बट जितना मेरा सबने ख्याल रखा था और जितना मैंने इंजॉय किया था उसको, आई थिंक वो बहुत अच्छी मेमोरीज है। परी मीना, थैंक यू वेरी मच मीना। आइंदा भी आने वाले वीक्स में ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के और ख्वातीन के
बिजनेसेस के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से सेगमेंट सजा के लाती रहेंगी। आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, लेकिन क्योंकि बच्चों के कारोबार के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, मैं चाहता था इस पर बात करें। लेकिन मीना, आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ टिप्स जो हैं वो प्रॉपर प्लान करके आप लेके आएंगी कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, फाइनेंशियल साइड पे, उसकी मार्केटिंग साइड पे, पूरा उसका बिजनेस साइकिल क्या होता है। सो इन सारी चीजों पे आप हमें बिल्कुल नहीं, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, हम प्राइसिंग पे बात करेंगे, हम मार्केटिंग पे बात करेंगे, रेवेन्यू, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया बिजनेस मेरा पैशन है, तो इसके बारे में बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज बहुत ही मजेदार सा हमने एक सेशन करना है, कुछ रीजनल म्यूजिक होगा, कुछ डिफरेंट से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीटीवी ग्लोबल यूएस, पीटीवी ग्लोबल यूके, पीटीवी होम और पीटीवी न्यूज के नाजरीन को। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और सेशन हम सजाने जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि पास हो गया गिलगित बल्तिस्तान का खासा, दो तरह के सितार भी लेके आए हैं, इस पर भी हम तफसील से इनसे बात करेंगे, म्यूजिक क्रिएट भी कराएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग। और हमारे साथ मंजूर बल्तिस्तानी मौजूद हैं। मंजूर बल्तिस्तानी इस वक्त नापा में म्यूजिक सीख रहे हैं, लेकिन इनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है। और हमने जब वो वीडियो देखी, वो जो पाकिस्तान का कौमी तराना एक महफिल में, एक पर्सनल शादी के बाद, शादी की महफिल में कुछ यंगस्टर्स ने वो कौमी तराना क्रिएट किया डिफरेंट बीट और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे, वो बल्तिस्तानी की, मंजूर बल्तिस्तानी की वीडियो वायरल हुई, हर तरफ पहुंची, तो हमने सोचा इनको भी हम शो में बुलवाएं और इनका म्यूजिक क्रिएट करवाएं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तैयार हो जाओ, ये मैंने वापस नहीं करना, मुझे गाने को भी गा के सुनाएंगे, कोई मसला नहीं आज ये मैं प्ले करूंगा। बिल्कुल सर, और जिस तरह आप बजाते हैं आपको ही बजाना चाहिए वैसे। अच्छा, ठीक, पास हो गया। बिल्कुल सर, पास। ग्रेट। हमारे साथ जनाब अमीन अब्बास भी हैं। अमीन अब्बास का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से नहीं है, इनका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन अमीन कुछ अर्सा पहले मशहूर हुए जब समा टीवी का म्यूजिक चैलेंज का जो शो था वो आपने विन किया जी, और वापसी में गाड़ी में बैठ के गए, है ना, शो में से कराची से लाहौर तक गाड़ी लेकर आया था। खुद ड्राइव की थी जी? खुद की थी। वाकई वापसी पे जब वो ड्राइव कर रहे थे अमीन आप, तो क्या कोई ख्वाब सा नहीं लग रहा था कि मैं कराची कंपटीशन में गया था और वापसी पे मैं गाड़ी विन करके आ रहा हूँ? वो क्या मोमेंट्स थे? जब कंपटीशन हो रहा था तो एन वक्त जब रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम आया ना, तो जजेस बैठे हुए थे तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं गौर गौर से कि, तो एक जजेस नईम अब्बास रूफी साहब, क्या बात है, उन्होंने मुझे कहा, इशारा किया कि नहीं, नहीं। मैंने वो है साहब काम करना छोड़ गए घर, सारा जिस्म के रिजल्ट तो बस हाँ, बस खत्म हो गया। सादिया इमाम के सामने वो रिजल्ट आया तो कहने लगी ये कैसे हो गया, ये पता नहीं क्या किया आप लोगों ने। फिर एकदम से मेरा जब नाम अनाउंस हुआ तो मुझे झटका सा लगा एक मैं सादिया इमाम की तरफ बढ़ा तो रास्ते में एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे पकड़ा कि यार ओहो ये सादिया इमाम है, ये सादिया इमाम इस तरफ नहीं जाना। मैंने कहा ओके सर। Great. तो फिर गाड़ी रास्ते में लेकर आया तो यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ। ग्रेट, अमीन से भी आज हम कुछ चीज़ें सुनेंगे, लेकिन आज हम बात का आगाज़ करना चाहते हैं साथियों कि ये जो हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अब इनका इस्तेमाल भी कम होता जा रहा है, और कुछ लोगों को तो पूरी दुनिया में ख़तरा है जो कि इस हवाले से रिसर्च करते हैं कि आज से 50 बरस बाद या 100 बरस बाद बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल
मर जाएंगे. एग्जैक्टली DW, इज दिस ट्रू? बिल्कुल, जो आपने सिचुएशन बताया इसी तरह ही है. और दुनिया की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शुरुआती हाल जो है ना काफ़ी ख़तरनाक है. वो ये है कि जितने भी हम पिछले साल हम एक इसी तरह का एक रिसर्च कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स का, फोक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से और पूरे पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें हमने देखा है कि इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं पाकिस्तान में, इतना रिचनेस है म्यूज़िक के हवाले से और फोक म्यूज़िक के हवाले से कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे. लेकिन वो हमारे आज के जनरेशन उनसे नाबलद है, वो जानते भी नहीं हैं. और मैं अपने रीजन की मिसाल दूंगा, हमारे रीजन में तकरीबन कोई 7-8 इंस्ट्रूमेंट इस तरह हैं जो कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी हमें नहीं मिल सकता वो. तो एक दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं आज. तो बताइए क्या है? एक तो ये पामरी सितार है, ये बिल्कुल इस रीजन से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये हमने किसी तरह इसको रिवाइव कर रहा हूँ. अब पामरी सितार बजाने वाले आपके अलावा कितने लोग हैं? पामरी सितार तो फिलहाल मैं ही बजाता हूँ. ओके, यानी ये मैं इसको रिवाइव कर रहा हूँ. ये भी मैंने इसके ट्रेसेस जाके ताजिकिस्तान से लेके आया हूँ, इसको ढूंढ के लाया हूँ, फिर उसके बाद अभी इसको मैं रिवाइव कर रहा हूँ. कहीं और बजाया जा रहा है ये? मतलब ताजिकिस्तान में या चाइना में? ताजिकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में अब इसका थोड़ा सा जो शेप है वो डिफरेंट हो गया है. जरा इसकी आवाज हमें साउंड सुनाइएगा. मसलन So, ये जो हमारा जो मेन सितार जो है, जो सब कॉन्टिनेंट का, जो सब कॉन्टिनेंट का सितार, उसका ये फर्स्ट कजन है या दूर का रिश्तेदार? ये उनके अबाउजदाद में से बेसिकली. दिस वाज द ट्रू सितार. सितार एक पर्शियन लफ्ज है, सितार यानी तीन तार के इंस्ट्रूमेंट. वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके, अपनी शक्लें तब्दील करके वो आके पामेरी सितार, फिर पामेरी सितार से जाके सब कॉन्टिनेंट में जब ट्रेवल किया तो वहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट का सितार है. अच्छा, वो कौन सा सितार है? ये चित्राली सितार है. ये इससे भी पुराना है. यानी इसका फॉर्म इससे पहले ये हुआ करता था, लेकिन ये तीन तारों पे. कोई रिसर्च बताती है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कितने 100 साल पुराने हैं? बदकिस्मती से इसका कोई हमें एक वो नहीं मिलता, कोई ट्रेस नहीं मिलता. लेकिन ये अर्ली जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में है, वो कहते हैं कि वहाँ तक भी इसका जो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है. इनकी जो डिफरेंस है, ये हम पिक से बजाते हैं और इसको हाथ से बजाना पड़ता है. ये बहुत डेलिकेट है और इसकी आवाज वेरी नाइस. वेरी मंजूर, आप गा भी रहे हो और अब नापा में म्यूजिक को पढ़ भी रहे हो, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त जब आपका वो वीडियो वायरल हुआ? पहले वो बताएं कि वो कोई हमने सुना और उस वीडियो को देख के तो नजर भी आ रहा था कि बड़ा स्पॉन्टेनियस सा था, कोई प्लान नहीं था कि आज हम बैठेंगे और पाकिस्तान का कौमी तराना बजाएंगे, ऐसा नहीं था. हाउ डिड इट ऑल हैपन? बेसिकली एक दोस्त की शादी पे हम गए हुए थे कर्दू में. अच्छा, ठंड भी थे और लोग तकरीबन प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे थे, तो जाते जाते मैंने सोचा, पहले हमने सोनी धरती गाया. हाँ. उसके बाद आखिर में जाके हमने कहा कि बाक्सर जमीन पर हम ये प्रोग्राम को एंड अप करते हैं. तो सब ने बड़ी जबरदस्त शादी थी भी जो कौमी तराने पे एंड तो सब ने जोश वलवले से साथ दिया, रिदम के साथ गाया और बड़े जोश वलवले परफॉर्मेंस दिया. और मैंने ऐसे ही अपलोड किया था रात को, तो सुबह देखा तो सब पेजेस पे, पाकिस्तान के जितने भी टॉप पेजेस है उस पर अपलोड हुआ हुआ था, बहुत लाइक एंड शेयर्स हो रहे थे. तो मतलब एक प्राउड फीलिंग हुआ मुझे. अच्छा, आपको ज्यादा प्राउड फीलिंग है जिसकी शादी थी वो बता दीजिए. मेरी शादी ये मेरी शादी पे जी. वो जो दोस्त था ना, 50 दफा मुझे कॉल किया, अबे वीडियो वायरल है, वीडियो वायरल है, मुझे पता है. अच्छा, उस वीडियो में दूल्हा है कि नहीं है? दूल्हा नहीं है, दूल्हा साइड पे बैठे, दूल्हा खुद वीडियो शूट कर रहे थे. ओहो भाई, तो असल काम तो फिर दूल्हा ने किया. चले जी, वो वीडियो देखते हैं. आप में से बहुत से लोगों को तो डेफिनेटली मालूम है कि हम किस वीडियो की बात करें, लेकिन अगर आपने वो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो नहीं देखी तो चले हम आपको दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा. और अब हम जरा म्यूजिक क्रिएट करने वाले हैं, जरा सीट बेल्ट बांध लें, प्ले करें जी वीडियो. I'm
माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस। और जो आपने कहा ना कि वो जो एंथुसियाज्म और वो जो वल्वल और जोश था ना, पहाड़ी जोश है, पहाड़ी जोश, पहाड़ी जोश। अच्छा जी, कुछ म्यूजिक क्रिएट करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और पंजाब की आवाज होगी, सॉन्ग होगा। और गाना कौन सा है जी? अरशद महमूद साहब का सॉन्ग था, फिल्मी देखा जो चेहरा तेरा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। क्या बात है। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कलियां खिला देती हैं एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती हैं एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती हैं हल्की सी आहट तेरी, तेरे लिए मुंतजिर हर एक नजारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। वाह जी वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो मंजूर बल्तिस्तानी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे अब हमने कुछ म्यूजिक क्रिएट करवाना है, कुछ गिलगित बल्तिस्तान का ख्वार में जी, फोक सॉन्ग आपको ख्वार में सुनाएंगे, बल्ती में सुनाएंगे। और तो मुझे डांस करने से कौन रोकेगा, ये भी एक चैलेंज है। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मिलते हैं आपसे। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको हम खुशामदीद कहेंगे। DW बेग हमारे साथ मौजूद हैं, मंजूर बल्तिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं जिन दोनों का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, और अमीन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक लाहौर से है। आज हमने कुछ लाहौरी स्टाइल ऑफ सिंगिंग को हमने फ्यूजन में क्रिएट करने की कोशिश की है विद गिलगित बल्तिस्तान इंस्ट्रूमेंट्स। और आज आप देख सकते हैं कि मंजूर अभी हमें गाना सुनाएंगे, लेकिन इनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। DW ये क्या है? इसको तौसिक साहब, इसको आम जो लोग जो जानते हैं इसको तुम्बक के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो असल नाम है वो ज़ेर बगल है, क्योंकि इसको ज़ेर बगल कहते हैं इसको, क्योंकि बगल में रख के बजाया जाता है। ये बेसिकली नाम जैसे कि पर्शियन है, इसका रूट्स भी बेसिकली सेंट्रल एशिया, तुर्की और इस रीजन का है ये इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ से फिर यहाँ पर प्रमोट, क्योंकि ये आसान है साथ ले जाने, इसकी मोबिलिटी आसानी है, क्योंकि हमारा फोक जो इंस्ट्रूमेंट्स है परकशंस है वो काफ़ी बड़े हैं साइज में, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट जो म्यूज़िक में अब ये भी शामिल हो गया है। और मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम जब अपनी ज़िंदगी में गिलगित बल्तिस्तान और इस एरिया में गया था 1998 में, तो वापसी पर हम बाय रोड आए थे, और मैंने उस अपने एक महीने के स्टे के अंदर तुम्बक के साथ दोस्ती की और इसको बजाना सीखा, और वापसी पे गिलगित से लेके रावलपिंडी तक पूरा रास्ता मुझे याद है कि मैं मेरे हाथों की जो उंगलियां हैं ना वो सूज गई थी, मैं पूरा रास्ता ही बजाता है। ये जब हाथ में आता है तो फिर बस, ये जब हाथ में आता है और अगर आपको इसके साथ दोस्ती हो जाए ये फिर आपको छोड़ता नहीं। ग्रेट, तो अब हम जनाब मंजूर बल्तिस्तानी से एक बल्ती गाना सुनेंगे सर। चैलेंज जी, ये भी हमने रिसेंटली रिलीज किया था इसको कंपोज करके। ग्रेट, मुझे पता लगा जी, इस वक्त कह रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे
इनबॉक्स में इस वक्त एक बम्बारी हो रही है मैसेजेस की और एवरीवन इज वेलकमिंग यू और सब लोग कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है आज हमें जीबी का म्यूजिक सुन के। लाहौरी ने भी बल्ती डांस सीख लिया, पिंडी बॉय ने भी बल्ती, ये जीबी वाले क्या कर रहे हैं भाई, है ना, पंजाबियों को नचा दिया तुम लोगों ने। ग्रेट, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं तो अभी काफी टाइम है, कुछ और म्यूजिक क्रिएट करना है हमने, अमीन अब्बास से भी कुछ सुनना है। रोही मेरे साथ अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हमारे साथ मौजूद हैं डीडब्ल्यू बेक, मंजूर बल्तिस्तानी और अमीन अब्बास, और बड़ा मजे का जरा म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। अमीन, कोई पुराना फिल्मी? जी मैं बहुत पुराना नहीं, कोई 90s का फिल्मी। ठीक है, मैं आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुना रहा हूँ, तहसीन जवेद साहब का फिल्म में सॉन्ग आया था, दिल हो गया है तेरा दीवाना। कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। बहुत मशहूर सॉन्ग है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है
समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, हाँ झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं, ला 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 ला. Very nice, very nice. अच्छा DW, ये बताएं कि हमारी जो पाकिस्तान फिल्म की तारीख है, इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ रीजनल फोक इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल होते हमें नजर आते हैं और फोक धुने जो हैं उनका भी इस्तेमाल. क्या GB का जो फोक म्यूजिक है वो कभी फिल्म में एक्सपेरिमेंट हुआ? कभी नहीं हुआ. कभी नहीं हुआ. कभी नहीं हुआ. वो बेसिकली ये कि ये काफ़ी आइसोलेशन में रहा ये रीजन. अभी भी आइसोलेशन में है. मीडिया में आप जैसे दोस्त जो है ना वो इसको थोड़ा सा नुमाइंदगी देते हैं, नहीं तो आपको कहीं नज़र नहीं आता. और वो ज़िंदगी के हर शोबे में इस तरह है, चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे वो दूसरे फील्ड्स में हो. पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में अभी तक कोई इतनी जगह नहीं मिली, लेकिन लेकिन जो टूरिस्ट आता है ना वो बेसिकली GB के पीछे पाकिस्तान आता है. ये तो मानने वाली बात है. और GB का म्यूजिक जो है वो बाहर बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है. पाकिस्तान का एक खूबसूरत फेस कहा जाता है. कितनी लैंग्वेजेस इस वक्त GB में बोली जाती हैं? बड़े एक डाइवर्स रीजन है. सात आठ जबानें बोली जाती है, जिसमें मेजर जो है ना हमारे जो मेजोरिटी जो वहाँ बोली जाते हैं वो शिनाए ब्रशस की है, बल्ती मेजर लैंग्वेज है, फिर खुआर है, वखी है, वखी है, फिर डुमाकी है, इसके अलावा दाउदी नहीं डुमाकी लैंग्वेज है. ये छह मेजर जबान है. इसके अलावा भी फिर कहीं फिर वो डायलैक्ट्स हैं, डायलैक्ट्स हैं बेसिकली ये छह. अच्छा, और मैंने ये सुना है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया, क्योंकि मेरा GB बहुत दोस्त भी बहुत है और आना जाना भी, कि इन सारी लैंग्वेजेस में मिसाल के तौर पे पंजाबी है, सराइकी है, पोठोहारी है, पंजाबी के भी मुख्तलिफ डायलैक्ट्स. अब ये बिल्कुल जुदा तीन ज़बानें हैं डेफिनेटली, लेकिन बहुत से आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी. एग्जैक्टली. लेकिन अब बल्ती है या शिना है, ख्वाश है, इसकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन ज़बानें, एक शख्स दूसरे को समझ ही नहीं सकता. बिल्कुल एक लफ्ज नहीं समझ सकता. इस तरह है जैसे कि इंग्लिश और उर्दू है, इतना फर्क, इतना डिफरेंस है. तो इन ज़बानों की अपना रूट्स हैं और इतना मुख्तलिफ है. जैसे अब अगर वही सराइकी कोई मैं बात कर लें तो मुझे समझ आएगी, वो उसमें उर्दू के बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर है. लेकिन ये ज़बानें जो है ना ये टोटली एक दूसरे से मुख्तलिफ है. इतने डाइवर्स रीजन है वहाँ पे. आप किन किन लैंग्वेजेस में गाते हैं? मैं बल्ती, शिना, उर्दू. बल्ती, शिना, उर्दू जी. और आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं इस रीजन की? इस समझ लेते हो? समझता हूँ मैं शिना, समझता हूँ ब्रशस की, थोड़ी बहुत समझता हूँ. वही तो मेरी मादरी जबान है. और फिर उर्दू, और उर्दू तो कौमी जबान है हमारे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अच्छा जी, अब आज इतना मज़ा आ रहा है कि वही बात है कि कम ऐसे कुछ सेशन होते हैं जिसमें हम ऐसे देख रहे होते हैं एक दूसरे को, जरा पाँच मिनट उधर खींच लें, कर लें. आज उन्हीं दिनों में से, क्योंकि इन्जॉय हम बहुत करें. लेकिन ऑब्वियसली मैं अक्सर कहता हूँ हम सब वक्त की कैद में हैं, तो हमें अब आपसे चाहनी है इजाज़त. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अमीन अब्बास, आपका बहुत लुत्फ आया. DW, थैंक यू सर. और वो एक और फरमाइश है जी, DW से क्या मुराद है? डॉचे वाले मतलब? DW
दौलत वली बेग, दौलत वली बेग, लेकिन इनको सब क्योंकि DW बेग कहते हैं, बेग भाई के नाम के साथ हमेशा इसी कोई कहते हैं DW बेग, WW बेग कहते हैं, और कोई कहता है दिल वाला बेग, दिल वाला, दिल वाला बेग, दिल वाला बेग मैंने ज्यादा सुना आपको कहते हैं, सो मनी बेग, बेग हां जी मनी बेग जी, DW बेग और बल्तिस्तानी, मंजूर बल्तिस्तानी, अब टुवर्ड्स द एंड कुछ हमें सुनाएंगे, और ये कुछ जनाब क्या होने लगा है, फ्यूजन होने लगा है, हम फ्यूजन कर रहे हैं वखी और बल्ती लैंग्वेज का, आहा, तो DW वखी गाएंगे और मंजूर जो है वो बल्ती में गाएंगे, बल्ती में गाएंगे, और इसका कुछ हम फ्यूजन करेंगे, आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हम सबकी तरफ से खुदा हाफिज़ जी, ओवर टू यू, नरगिस न तो यो प्यारी।